नमस्ते भाई बहिनीहरू, सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ। आज हामी अ आ इ पढ्छौँ, लेख्छौँ अनि सिक्छौँ। आज हामी के पढ्छौँ, लेख्छौँ अनि सिक्छौँ भन्नुहोस् त? हो, आज हामी अ आ इ पढ्छौँ, लेख्छौँ अनि सिक्छौँ। ल, अब सुरु गरौँ है। यो अक्षरलाई अ भनिन्छ, अ। अब हामी अ लेखौँ है। सबैजनाले मैले जसरी लेखिराखेको छु त्यसरी नै लेख्नुहोस् है त। हो, अब यो अक्षर अ भयो। हुर्रे! अब हामी अबाट के बन्छ हेरौँ है। अबाट अनार, अबाट अनार, अबाट अदुवा, अबाट अदुवा, अबाट अम्बा, अबाट अम्बा। अब अर्को अक्षर के रहेछ हेरौँ है। यो अक्षरलाई आ भनिन्छ, आ। अब हामी आ लेखौँ है। सबैजनाले मैले जसरी लेखिराखेको छु त्यसरी नै लेख्नुहोस् है त। हो, अब यो अक्षर आ भयो। हुर्रे! अब हामी आबाट के बन्छ हेरौँ है। आबाट आमा, आबाट आमा, आबाट आप, आबाट आप, आबाट आलु, आबाट आलु। अब अर्को अक्षर के रहेछ हेरौँ है। यो अक्षरलाई रसो ई भनिन्छ, ई। सबैजनाले मैले जसरी लेखिराखेको छु त्यसरी नै लेख्नुहोस् है त। हो, अब यो अक्षर रसो ई भयो। हुर्रे! अब हामी रसो ईबाट के बन्छ हेरौँ है। ईबाट इन्द्रेणी, ईबाट इन्द्रेणी, ईबाट इनार, ईबाट इनार, ईबाट इमु, ईबाट इमु। अब अर्को अक्षर के रहेछ हेरौँ है। यो अक्षरलाई दीर्घ ई भनिन्छ, ई। अब हामी दीर्घ ई लेखौँ है। सबैजनाले मैले जसरी लेखिराखेको छु त्यसरी नै लेख्नुहोस् है त। हो, अब यो अक्षर दीर्घ ई भयो। हुर्रे! अब हामी दीर्घ ईबाट के बन्छ हेरौँ है। ईबाट ईश्वर, ईबाट ईश्वर, ईबाट इटा, ईबाट इटा, ईबाट ईद, ईबाट ईद। यो अक्षरलाई रसो उ भनिन्छ। अब हामी रसो उ लेखौँ है। सबैजनाले मैले जसरी लेखिराखेको छु त्यसरी नै लेख्नुहोस् है त। हो,
अब यो अक्षर रसो उ भयो। हुर्रे! अब हामी रसो उ बाट के बन्छ हेरौ है। उ बाट उखु, उ बाट उखु, उ बाट उडुस, उ बाट उडुस, उ बाट उपिया, उ बाट उपिया। अब हाम्रो अर्को अक्षर के रहेछ हेरौं है। यो अक्षरलाई दीर्घ उ भनिन्छ। उ। अब हामी दीर्घ उ लेखौं है। सबैजनाले मैले जसरी लेखिराखेको छु त्यसरी नै लेख्नुहोस् है त। हो, अब यो अक्षर दीर्घ उ भयो। हुर्रे! अब हामी दीर्घ उ बाट के बन्छ हेरौं है। उ बाट उन, उ बाट उन, उ बाट उठ, उ बाट उठ, उ बाट ऊर्जा, उ बाट ऊर्जा। अब अर्को अक्षर के रहेछ हेरौं है त। यो अक्षरलाई रि भनिन्छ। रि। अब हामी रि लेखौं है। सबैजनाले मैले जसरी लेखिराखेको छु त्यसरी नै लेख्नुहोस् है। हो, अब यो अक्षर रि भयो। हुर्रे! अब हामी रि बाट के बन्छ हेरौं है। रि बाट ऋषि, रि बाट ऋषि, रि बाट ऋतु, रि बाट ऋतु, रि बाट ऋण, रि बाट ऋण। यो अक्षरलाई ए भनिन्छ। अब हामी ए लेखौं है। सबैजनाले मैले जसरी लेखिराखेको छु त्यसरी नै लेख्नुहोस् है त। हो, अब यो अक्षर ए भयो। हुर्रे! अब हामी ए बाट के बन्छ हेरौं है। ए बाट एक रुपियाँ, ए बाट एक रुपियाँ, ए बाट एक तारे, ए बाट एक तारे, ए बाट एघार, ए बाट एघार। अब अर्को अक्षर के रहेछ हेरौं है त। यो अक्षरलाई ऐ भनिन्छ। अब हामी ऐ लेखौं है। सबैजनाले मैले जसरी लेखिराखेको छु त्यसरी नै लेख्नुहोस् है त। हो, यो अक्षर ऐ भयो। हुर्रे! अब हामी ऐ बाट के बन्छ हेरौं है। ऐ बाट ऐना, ऐ बाट ऐना, ऐ बाट ऐसेलु, ऐ बाट ऐसेलु, ऐ बाट एरावत, ऐ बाट एरावत। अब अर्को अक्षर के रहेछ हेरौं है। यो अक्षरलाई
ओ भनिन्छ। अब हामी ओ लेखौं है। सबैजनाले मैले जसरी लेखिराखेको छु त्यसरी नै लेख्नुहोस् है त। अब यो ओ भयो। हुर्रे! अब हामी ओ बाट के बन्छ हेरौं है। ओ बाट ओखर, ओ बाट ओखर, ओ बाट ओखल, ओ बाट ओखल, ओ बाट ओखती, ओ बाट ओखती। यो अक्षरलाई औ भनिन्छ। अब हामी औ लेखौ है। सबैजनाले मैले जसरी लेखिराखेको छु त्यसरी नै लेख्नुहोस् है त। ओ, अब यो अक्षर औ भयो। हुर्रे! अब हामी औबाट के बन्छ हेरौँ है। औबाट औचार, औबाट औचार, औबाट औषधि, औबाट औषधि, औबाट औठी, औबाट औठी। अब अर्को अक्षर के रहेछ हेरौँ है। यो अक्षरलाई अम भनिन्छ। अब हामी अम लेखौँ है। सबैजनाले मैले जसरी लेखिराखेको छु त्यसरी नै लेख्नुहोस् है त। ओ, अब यो अक्षर अम भयो। हुर्रे! अब हामी अमबाट के बन्छ हेरौँ है। अमबाट अङ्गुर, अमबाट अङ्गुर, अमबाट अन्जीर, अमबाट अन्जीर, अमबाट अङ्ग, अमबाट अङ्ग। अब अन्तिम अक्षर के रहेछ हेरौँ है। यो अक्षरलाई अह भनिन्छ। अब हामी अह लेखौँ है। सबैजनाले मैले जसरी लेखिराखेको छु त्यसरी नै लेख्नुहोस् है त। अब यो अक्षर अह भयो। हुर्रे! अहबाट कुनै शब्द नै हुँदैन। हस्त भाइ बहिनीहरू, आजलाई यति नै। धन्यवाद सबैलाई।